बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आयशा असलम। मैं हूँ आदिर खान। तो गाइज अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे वो वीडियो है ट्रिगर इंसान की, ट्रिगर्ड इंसान की। तो वीडियो का नाम है आई फाउंड दी फनीएस्ट बांग्लादेशी एक्शन रिएक्शन सीन्स। हाँ तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। जिस पर जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा फाइट सीन चल रहा था, पीट रहा था सबको, पर पता नहीं ऐसी क्या फटकी मारी उसके सर पे के इंसानी विंडमिल बन गया वो बंदा। एक ही जगह पे 1 करोड़ चक्कर लगा के पुक 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 करके गिर रहा है। कोई ग्रेविटी नाम की चीज के बारे में सुना है? नहीं। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सुना है उसके बारे में? नहीं। एक इंसान ऐसा केपेबल नहीं है कर पाने के। अभी और सुनिए। कम से कम रस्सी को तो ढंग से एडिट कर लो, ये तो सस्ती नाकाम कोशिश करी है रस्सी को एडिट करने की। ये सीन देख के सबसे ज्यादा खुश होंगे अपने सल्लू भाई, क्योंकि पूरा का पूरा सीन तो उन्हीं की फिल्म से उठाया है। भैया मेरा मुंह से निकल गई। आज के जो एक्शन सीन्स हैं, दे आर कमिंग स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश, असम एंड ओडिशा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे असम के राज दुलारे दादाओं के दादा मिस्टर राजकुमार ठकुरिया। जेम से मेरा नाम क्रिमिनल को जेम से मेरा नाम और क्रिमिनल को गोली मारना। देखिए सबटाइटल्स भी नहीं है एंड काफी मुश्किल है समझना, लेकिन मैंने डिकोड कर लिया है। अंकल जी कह रहे हैं जेम्स है मेरा नाम, क्रिमिनल को गोली मारना मेरा काम। तो मैं अंकल को बता दूं कि अंकल आपका नाम है जेम्स, मूवी का नाम है जेम्स। जेम्स एक खाने की वस्तु होती है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद 2 मिनट तक दादाजी कुछ और बड़बड़ाते रहते हैं जो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा, जिसके बाद फाइनली एक फाइट सीन शुरू होता है। याददाश्त भुलाना चाहता हूँ, मैं इस हॉरर के साथ नहीं जीना चाहता कि मैंने ऐसा कुछ देखा। काम हासिल बना दिया। बाइक के पीछे एक बंदा बैठा गोलियां चला रहा है जो कि फोटोशॉप कर रखा है। क्यों भाई, एक्चुअल बंदा बाइक के पीछे बिठा के रिकॉर्ड कर सकते थे, बट नहीं, हमें तो अपने फोटोशॉप VFX स्किल्स दिखाने। ठीक है भाई, मान लिया। उसके बाद मिस्टर राजकुमार ठकुरिया गोलियां चला रहे हैं जो ऐसे लग रहा है उनकी गन में से पटाखे चल रहे हैं, बट सही है। उसके बाद वो बाइक के पीछे बैठा वो बंदा ब्लास्ट हो जाता है। इधर से गोलियां चली थी वो ब्लास्ट हो गया और 3 रह
रैंडम से बंदे अलग से उड़ गए जो कहते हैं ये बॉम्ब है। बॉम्ब आया कहाँ से? ये तीन रैंडम बंदे कहाँ से आए? मुझे कोई समझाओ ये हुआ क्या है। और यहीं पे खत्म नहीं होता, उसके बाद एक बाइक आती है जिसको राजकुमार ठकुरिया जी गोली मारते हैं तो वो भी ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद राजकुमार ठकुरिया पहाड़ के ऊपर बैठ के किसी से लड़ रहा है जो बंदा पता नहीं। नेक्स्ट सीन प्लीज। तो अब आसाम से चलते हैं बांग्लादेश की तरफ और देखते हैं बांग्लादेशी सुपरमैन। सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑन पे क्लिक करें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।